शुभमन गिल जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट के नए स्टार बन चुके हैं, टेस्ट मैच हो या T20 या फिर वनडे, हर फॉर्मेट में शुभमन गिल के बल्ले का दम देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया जिस ट्रांजिशन से गुजर रही है और भविष्य के लिए खिलाड़ियों को तैयार कर रही है, उसको देखते हुए शुभमन गिल का लगातार रन बनाना और बेहतर प्रदर्शन करना भारतीय फैंस की उम्मीद जगाता है। 25 साल के शुभमन गिल अब क्रिकेट फैंस के फेवरेट बन चुके हैं। छोटे से करियर में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है। लेकिन शुभमन गिल की कहानी आखिर क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शुभमन गिल की कहानी, वो भी उनके बर्थडे के स्पेशल दिन पर। शुभमन गिल अब जिस तरह से शॉट खेलते हैं, तब हर कोई उनका तकनीक का कायल हो जाता है। ये अभी से नहीं बल्कि बचपन से ही, क्योंकि उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की थी और घर वालों ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया था। पंजाब के फजिलका से आने वाले शुभमन गिल ने शुरुआत में वहां पर ही क्रिकेट खेला। उनके पिता ने उनकी काफी मदद की थी। शुभमन ने खुद बताया था कि उनके पापा बॉलर्स को चैलेंज देता थे कि जो शुभमन गिल को आउट करेगा उसे 100 रुपये इनाम मिलेगा। शुभमन गिल के मुताबिक उनका परिवार पूरी तरह से अपनी खेती पर निर्भर था, लेकिन सारे खेत और घर गाँव में थे और उनकी प्रैक्टिस चंडीगढ़ में ही मुमकिन हो पाती थी। तब पापा ने बड़ा फैसला किया और चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। इसका असर उनकी खेती पर भी पड़ा। शुभमन गिल के मुताबिक वे अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें, इस वजह से पापा चंडीगढ़ से गांव खेती करने के लिए आए थे और मैं वहां अपनी प्रैक्टिस करता था। शुभमन गिल पंजाब से ही आते हैं और स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह भी पंजाब की शान है। ऐसे में जब शुभमन गिल पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, तब युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे सीनियर प्लेयर्स ने उनका साथ दिया और काफी कुछ सिखाया। शुभमन ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त युवराज सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। वे उनके पास ही जाया करते थे और उनके साथ प्रैक्टिस, जिम और बाकी गपशप करते थे। शुभमन ने युवराज को अपना मेंटर भी बताया है। अंडर 19 से लेकर घरेलू क्रिकेट तक शुभमन गिल ने हमेशा ही रनों की बरसात की है। उनके नाम 40 फर्स्ट क्लास मैच के करीब 53 के औसत से 3200 से ज्यादा रन है। साथ ही 76 लिस्टे मैचों में 54.12 के औसत से करीब 3500 रन है। घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद शुभमन गिल की टीम इंडिया में एंट्री मिली। पहले छोटी सीरीज में उन्हें मौका मिला और अब वह टीम इंडिया के मजबूत ओपनर बन चुके हैं। शुभमन गिल क्रिकेट मैदान पर अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी के अलावा अपने लुक्स के लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है, युवा फैंस भी उनके काफी दीवाने हैं। छोटे से करियर में ही शुभमन गिल के कुछ अफेयर की चर्चा भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ अफेयर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सारा और शुभमन गिल को लेकर फैंस ने ऑनलाइन बातें कही हैं, जहाँ तक कि स्टेडियम में भी फैंस शुभमन गिल को सारा तेंदुलकर का नाम लेकर चिढ़ाते रहे हैं। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ सारा तेंदुलकर ही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के साथ भी शुभमन गिल का नाम जोड़ते हुए देखा गया था। अगर मौजूदा समय में बात की जाए तो शुभमन गिल भारतीय व्हाइट बॉल टीम के वाइस कैप्टन बन चुके हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 47 मुकाबलों के 2328 रन हैं। वहीं उनके नाम उस फॉर्मेट में एक दोहरा शतक भी है जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, जबकि टेस्ट क्रिकेट में गिल के नाम 25 मैच में 1492 रन हैं। T20 क्रिकेट में भी गिल का बल्ला अब तक कुछ खास तो नहीं चला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नाम के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की है। उनके नाम T20 क्रिकेट में 21 मुकाबलों में 578 रन है। IPL में शुभमन गिल गुजरात टाइटन्स फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं और IPL में उनके नाम 103 मुकाबलों में 3216 रन है। अब आप हमें बताइए, क्या शुभमन गिल आने वाले भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।